अल्मोड़ा के क्षेत्रीय मुख्यालय SSB में मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मोटे अनाज से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिलाधिकारी विनीत तोमर, नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, DIG DN बॉम्बे ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि इस तरह के मेले प्रदर्शनी से मोटे अनाज के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय मुख्यालय SSB ने DIG DN बॉम्बे ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य काश्तकारों की आय में वृद्धि करना, जवानों को पोषक अनाज मिले। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सशस्त्र सीमा बल द्वारा ये जो एक छोटा सा प्रयास है जिसमें कि किसानों की आमदनी बढ़े और हमारे जवानों को पोषक अनाज मिले, उनके हेल्थ पे एक बेहतर असर हो, इस उद्देश्य के साथ ये मेला लगाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि प्रचार प्रसार हो मोटे अनाजों का, मिलेट्स का, श्री अन्न का। देखिए, पहाड़ तो मोटा अनाज का ही केंद्र रहा है और पहाड़ में सदियों से मोटा अनाज खाया जाता रहा है, बोया जाता रहा है। हमारे यहाँ मडुआ, माजरा, कौनी, उगल, चुआ, ये सारे मोटे अनाज हैं। भट जो कि बहुत ही पौष्टिक हैं, भट जो है वो बहुत पौष्टिक अनाज है। सोयाबीन बहुत पौष्टिक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसमें होता है, तो हमारा तो परंपरागत भोजन रहा है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका उपयोग होना चाहिए हमारे खान पान में। ये SSB के माध्यम से आज एक प्रदर्शनी लगाई गई है और जैसा हम लोग जानते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट्स के लिए, तो एक बहुत अच्छा आयोजन है। इसमें SSB आयोजन अच्छा आयोजन करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनका। और ये शहर में जो हमारे समूह हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ एग्जीबिशन में रख सकते हैं। कोई अगर यहाँ आके ख़रीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है और आम जनता को भी यहाँ इनवाइट किया गया है, तो उनको भी इससे काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। और मिलेट्स जो होते हैं काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इसको बढ़ावा दिए जाने की काफ़ी आवश्यकता है और ये एक अवसर है जिसके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं।